मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की एक मासिक बैठक बोध बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर के एसपी सिटी और डॉक्टर मंजेश राठी ने बैठक में आए लोगों को संबोधित किया और अपने विचार रखे। सभी मुख्य अतिथि के विचारों से प्रभावित हुए। इस मौके पर मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवेंद्र जैन ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए यह अपील की कि इस बार दिवाली पर हम चाइनीज लाइट का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर बैठक में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं शिवेंद्र जैन, प्रेसिडेंट मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन। आज हमारी दिवाली मासिक मीटिंग हुई है, इसमें हम लोगों ने अनुरोध किया है, सभी लोगों को शपथ दिलाई है कि चाइनीज झालरों का, चाइनीज आइटमों का बहिष्कार करें, स्वदेशी का उपयोग करें, स्वदेशी दिए अपनाएं, ताकि जो पैसा है वो हमारे अपने देश में रहे, बाहर न जाए। हमने प्रतिबंधित बमों को, तेज साउंड वाले, तेज प्रदूषण वाले बमों पे भी बैन लगाने के लिए मांग करेंगे प्रशासन से, और सभी ने संकल्प लिया है कि कोई भी तेज आवाज के पटाखे नहीं फोड़ेंगे। और बहुत प्यार का और सौहार्द का त्यौहार है, प्यार से मनाएंगे, कोई भी किसी तरह का विवाद ना करें। आज हमारे बीच में मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह साहब और बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मंजेश राठी जी दोनों आज आए थे। उन्होंने अपने विचार बताए, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। डॉक्टर मंजेश राठी ने बताया किस तरह अच्छा कार्य करके हमारे बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और हम आगे तरक्की करते हैं। एसपीसीडी साहब ने बताया किस तरह हम अच्छा किसी के करते हैं तो कर्मा बैक होता है, वो अच्छा होके हमें मिलता है। हम किसी का बुरा करते हैं, दुनिया गोल है, दोबारा गोल होके आती है, हमें बुरा मिलता है। तो आज काफी लोगों को सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा उनको सुनने के बाद। बहुत ही बढ़िया वक्ता, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति। और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आने वाले त्यौहार दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप पे लक्ष्मी जी की कृपा रहे, पूरा साल आपका बहुत धन धान्य से भरा रहे। धन्यवाद। शिवेंद्र जैन, अध्यक्ष मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन।